वैलेंटाइन डे पे सब लोग मीठा खिलाते हैं अपने चाहने वाले को, लेकिन मैं आपको मीठा नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मीठा तो एक या दो चम्मच खा के आदमी बोर हो जाता है, लेकिन हम तो आपको पूरा खाना भरपेट करके खिलाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज दीवानी हांडी। चलिए देखते हैं। मैं शहबू भी स्वागत करता हूँ मेरे स्वाद के मित्रों का। तड़के के लिए लिए हमने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, और ये कुछ दाने काली मिर्च के, एक बड़ी इलायची, और उसके अलावा ये थोड़ा सा लौंग, छोटी इलायची और दो तेज़पत्ता। सर्दी में गोभी बहुत अच्छी आती है, तो ये देखिए गोभी ले ली है जिसके फ्लोरेट निकाल दिए हैं, और एक बात, इसके डंठल भी मैंने फेंके नहीं है, मतलब कि उसको पील करके उसके डंठलों को भी मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे ये गाजर है, गाजर मीठी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और बीन्स को भी इस तरह से मैंने काट लिया है छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर। और हरा मटर, मतलब कि फ्रेश मटर, ये भी ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम के आसपास। और ये चार टमाटर हैं मीडियम साइज के, टमाटर कभी भी ले लाल लेना चाहिए। और उसके अलावा ये छोटे छोटे से तीन प्याज हैं, हम इसके जो रूट स्टेम्स होती है ये निकाल देनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी हम प्याज को फ्राई करते हैं ना, तो ये भी फ्राई होता है, और ये जब फ्राई होता है तो बिटरनेस आती है। तो इस तरह से हमने ये फ्राइड ओनियन के लिए ये लंबा लंबा जूलियन काट दिए, और इनको हाथों से अलग अलग भी कर दें जिससे कि आराम से फ्राई हो जाए। टमाटर को बिल्कुल रफली काट दिया। वैसे तो दीवानी हांडी के लिए बरिस्ता, मतलब फ्राइड ओनियन की ज़रूरत होती है, उसके अलग अलग से कढ़ाई चढ़ाने की कोई आफत नहीं है। उसी पतीले में, मतलब इस लगन के अंदर हम सारी सब्जी बना देंगे, मतलब इसी में हम बरिस्ता बनाएंगे, इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे, और इसी में हम तड़का मारेंगे, मतलब आपके चार बर्तन नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी कम होने की वजह से बरिस्ता को लगातार हिलाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना जलने में एक मिनट नहीं लगेगी। और ये देखिए इस तरह से जैसे ही कलर आए तो तुरंत अपनी फ्लेम को लो कर दीजिए, क्योंकि इसको जलने में वक्त नहीं लगता है, या बंद कर दीजिए या बिल्कुल ही लो कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कलर आ रहा है थोड़ी देर बाद में इसका कलर और ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा, तो यहाँ पे ये निकालने का बिल्कुल सही वक्त है। और इसको हल्का हल्का सा दूर दूर कर दीजिए जिससे कि ये हीट कम रहे। और ये रही काजू, ये तो हमेशा लो हीट पे पकाया जाता है। वैसे तो सब्ज दीवानी हांडी के अंदर सब्जियों को फ्राई किया जाता है, लेकिन आज आपको बिल्कुल कम से कम तेल में वही टेक्सचर लाने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे हाई हीट रखी है और सब्जियों को एक एक करके डाल रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे सब्जियों को पकाना नहीं है, उनको टॉस करना है। टॉस करने से क्या होता है, उसका आउटर जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा भुनता जाता है, और भुनने से सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये भी मटर मैंने ऐड कर दिया है, हीट बिल्कुल हाई है, उसमें कोई कमी ना रखें। और ये गई गोभी, गोभी मैं लास्ट इसमें इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि जब गोभी को हम ज़्यादा स्टिर करेंगे तो गोभी टूट जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए जिससे कि सब्जियाँ सीजन हो जाएं प्रॉपरली, और उसके बाद में अभी भी इसको लगातार स्टिर करते रहिए। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी पड़ेगी, वरना सब्जियाँ जब ग्रेवी में रहेंगी तो सफ़ेद सफ़ेद सी अजीब सी लगेंगी, तो यहाँ पे हल्दी का थोड़ा सा कलर चढ़ना चाहिए। और ये देखिए सब्जियाँ इस तरह से भुनाई रही है, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा सब्जियों ने, पानी छोड़ दिया तो सब्जियाँ स्टीम हो जाएंगी, तो जो हम टॉस कर रहे हैं वो वाला मकसद हमारा पूरा नहीं होने वाला। यहाँ पे सब्जी 50% के आसपास पक गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा मकसद था इस सब्जी को टॉस करना, जिसके उसकी वजह से इसका आउटर स्पेस थोड़ा सा दरदरा भी हो जाएगा और टॉस भी हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं साइड में, अब तैयारी करते हैं हमारे ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, धोने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्जी का ही फ्लेवर आएगा बहुत बढ़िया वाला। तो ये गया टमाटर जो हमने अभी रफली काटा था, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद में इसको ढक के पकाएंगे जिससे कि टमाटर बिल्कुल गल जाए। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो फ्रेश टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। 5-6 मिनट ढक के पकाया तो देखिए अब टमाटर पूरा मैश हो गया, और ये जो हमने काजू और प्याज फ्राई किया था ना, इसको मिक्स कर लेंगे जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और पीसने में इसको आसानी रहेगी। ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट इसको चलाइए, और उसके बाद में इसको कर दीजिए साइड में, और रखने के बाद में थोड़ा जब ठंडा हो जाए तब इसको ग्राइंड कर देंगे। जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम हमारे आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। उसी पतीले में थोड़ा सा तेल डाला, और ये जो खड़े मसाले थे
उनका तड़का मार दिया और धीमी धीमी आंच पे उनको पॉप्स होने दिया। ये देखिए पॉप्स हो गए। उसके बाद में ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको खुशबू आने तक थोड़ा सा भूनना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले डालते टाइम हीट को लो कर देंगे। ये गई थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया पाउडर, और उसके बाद में ये रही कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी रेगुलर लाल मिर्च थोड़ा स्पाइसनेस के लिए। ये सब्जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और ये गई थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। इसको हल्का सा भुनेंगे और ज़्यादा तेज आंच नहीं रखेंगे और मसाले ना जल जाएं इसके लिए थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये लीजिए थोड़े से पानी की आवश्यकता यहाँ पे और लग रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डालूँगा। ये लीजिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं, धीमी धीमी आँच पर पकते रहें। इस पे थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं जिससे आराम से हमारे मसाले पकते रहेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर लेते हैं जिसमें टमाटर, प्याज और काजू था। और ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या डालना है, हमको डालनी है वो ग्रेवी जो हमने पीसी थी। इसके अंदर वही है प्याज, टमाटर और काजू का मिक्सचर। अब इसको डाल दिया, अब थोड़ा सा इसको मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी हुई थी इसलिए थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड किया और इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे अगर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। पानी ध्यान रखें कि गर्म ही ऐड करना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। अब ये 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे, ज़्यादा नहीं है। ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई है हमारी यहाँ पे, तो 2-3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में जैसे ही खुशबू आने लगी यहाँ पे, वाह वाह, तो जो हमारी सब्जी हमने पहले से टॉस करके रखी हुई थी अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। 50% पकाई थी लेकिन ये लगभग 70-80% पक चुकी है रखे रखे। अब इस सब्जी को 5-6 मिनट और पकाएंगे जिससे कि हमारी जो सब्जियों में थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी कच्चेपन की, वो भी पूरी हो जाएगी। सब्जी दीवानी हांडी रेडी है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, ये बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल रिच अवधी स्टाइल में बन रही है ये सब्जी, तो थोड़ी सी क्रीम तो जाएगी जाएगी भाई इसमें। और उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे हमारा स्पेशल तड़का। क्रीम डालने के बाद में फ्लेम को बंद कर दीजिए और लगा दीजिए ढक्कन। अब लगा रहे हैं हम स्पेशल तड़का। एक बड़ा चम्मच हमने घी डाल दिया है और घी में डालने के बाद में हम काजू बादाम का तड़का मारेंगे। काजू और बादाम का तड़का है ना अजीब सी बात, जी नहीं मजाक कर रहा हूँ। काजू बादाम को हल्का सा धीमी आंच पे सेक रहा हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगा हल्की सी कसूरी मेथी। आप बोलेंगे हर सब्जी में आपकी कसूरी मेथी डल जाती है, अरे भाई लगभग हर वेज सब्जी के अंदर कसूरी मेथी डलती ही है, और जिसमें नहीं डलती है उसमें नहीं डालिए। ये मेरे को बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी, और हरा धनिया डालते ही तुरंत फ्लेम को बंद करना है और उसके बाद में पलट देना है। और ये गया स्पेशल गरम मसाला। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बहुत ही कम डालना है। इस सब्जी का जो टेस्ट होता है ना माइल्ड होता है, मतलब कि मसालेदार नहीं होती है, स्पाइसी नहीं होती है, हल्की सी क्रीमी क्रीमी सी, हल्का सा टेक्सचर इसका माइल्ड होता है। तो एक बार बना के देखिए सब्जी दीवानी हांडी, आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताना दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।